नखालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज जिहड़ी खबर असी तुहानू दिखा रहे हां, दिखाउणी बहुत जरूरी तो है क्योंकि तुहाडी साडी सब दी सेहत दे नाल जुड़ी हुई खबर है। एक वीडियो असी तुहानू दिखावांगे, उस तो पहलां दस दिंदे हां कि वीडियो दे विच है कि जे तुहानू पता लग जावे कि जिहड़ी रोटी तुसी खा रहे हो वह रोटी बहुत माड़े तरीके दे नाल बनाई गई है, पर तुसी व्याह दे विच जां किसी समागम दे विचों उत्थे वह रोटी तुहानू परोसी जा रही है, तो सोचो किवें लगेगा तुहानू। ते जे उस तो भी वध तुहानू वीडियो देखण नू मिल जाए कि रोटी किस तरीके दे नाल बनाई जा रही है, तो शायद तुहाडा की करन नू मन करे ये असी नहीं दस सकते। व्याह समागम दे विच एक उत्तर प्रदेश के मेरठ तो वीडियो सामने आया है। मेरठ ज़िले का यह वीडियो है, 23 फरवरी तो वायरल हो रहा वीडियो है, जिथे थुक ला के तंदूर दे विच रोटियां राड़दा तंदूरिया कैमरे दे विच कैद हो गया। तो जे कैमरे दे विच ना कैद होंदा तो पता नहीं इन्हें होर कित्थे कित्थे ये कारा जिहड़ा वह करना सी। वीडियो पहला थानू दिखा दिंदे आ कि तंदूरिया हैगा जिहड़ा वह किस तरीके दे नाल रोटियां तंदूर दे विच पका रहा है। देखण तो बाद शायद बहुत जने अपने मन दे विच ये प्रण भी कर लैणगे कि अज तो बाद असी जां तां तंदूर दी रोटी नहीं खावांगे जां फिर बाहरों असी कुछ खावांगे नहीं, अपने घर दा ही खावांगे, विआह समागम च नहीं खावांगे, होटलां च नहीं खावांगे, इहो जे बहुत सारे प्रण बंदा कर सकदा है। हालांकि पुलिस ने इस मेरठ के ही सुहेल नां दे शख्स नूं काबू कर लिया, पर इस तंदूरिए ने अजिहा करन दे वास्ते जिहड़ी दलील दित्ती है वह भी किसी फिल्मी अंदाज तो घट नहीं है। पुलिस ने जदों उस तो पुछया कि इसने अजिहा क्यों किया तो घबराए हुए तंदूरिए ने कहा कि यह मेरा रोटियां बनाउण दा अंदाज है, मैं रोटियां ही इवें बनाउंदा, मैं रोटी दे विच थुक नहीं सुट रहा सी, बल्कि यह मेरा अंदाज है, मैं इस तरीके दे नाल रोटी वल झुकदा हाँ तो फिर उन्हों तंदूर दे विच ला दिंदा हाँ। वाहियात पुणे की यह हद उदों भी वापर रही है जदों देश दे विच मुड़ तो करोना का रौला पैना शुरू होया है। करोना का दूसरा स्टेन यानी कि भारत दे विच एंटर कर गया है, मुड़ तो करोना मुल्क दे विच सिरी चुक रहा है, तो उदों एक घटना वापरे तो कह सकते हैं कि होर भी गंभीर विशा है। एहो जिहे समय दे विच एहो जिही वीडियो का सामने आना तो यह सारा कुछ वापरना, जो जवाब दिता है तंदूरिए ने वह भी तुहानू सुना दिंदे आ। तो टेबल पर सांच रखना पड़ता है सर, तो छुप के रोटी डालनी पड़ती नहीं सर, अब वो पड़ते तो सांच। किसकी शादी थी, कब की शादी थी वो? ये 16 तारीख की थी जो गई है। किसकी शादी थी ये मुझे नहीं पता सर। आप शादी में गए थे? जी सर। रोटी बनाई थी जी? रोटी पर थूक क्यों रहे थे? नहीं सर, थूका नहीं है बिल्कुल भी। ये वीडियो में तो दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वो सोच गलत आदमी की। वो वीडियो बनाई किसने? सुनो तो, वो वीडियो बनाई किसने? पार्टी में आए हुए थे। कौन आया हुआ था ये मुझे नहीं पता सर, बते रहे थे पार्टी में। हैरानी की गल यह है कि इस व्यक्ति नूं जां कह लिए कि तंदूरिए नूं यह भी नहीं पता कि यह करतूत वह किहड़े विआह जां फिर पार्टी दे विच कर रहा सी, जिसका वीडियो लोगों के फोनों तक पहुँच गया, पर इस नूं नहीं पता कि वह किहड़ी पार्टी दे विच सी जदों वह यह सारा कारनामा आपदा कारा है कर रहा सी। इस तो साबित हुंदा है कि यह कारा इस विआह समागम तो बिना भी वह होर कई थावां ते कर चुकिया होना, यानी कि उहदा जे स्टाइल यह है तो हर किते वह यही करदा होएगा। मेरठ के हिंदू जागरण मंच ने इस मामले नूं गंभीरता दे नाल लैंदिया होया होर भी जिथे जिथे ये कार्रवाई इस
तंदूरिए ने की है यह हरकत की है उसकी जांच करने की मांग की है। तो हिंदू जागरण मंच ने खाना बनाने वाली थावां उत्ते भोजन पकाने वालों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लाए जाने की भी मांग की है ताकि भोजन के नाल नाल लोगों की नज़र साफ सफाई के उत्ते भी रह सके। सो मेरठ की यह घटना किधरे भी वापर सकती है, हो सकता है बहुत थावां ते वापरदी भी होनी है, पर कैमरे की अख दे विच भोजन बनाने वाला थां है जिहड़ा वह नहीं आता बहुतिया थावां ते, खास करके जिथे ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਤੰਦੂਰੀਏ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਵਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੜਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।